अचानक बाढ़ और तूफान की वजह से रानीपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब तक 40 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अगर ये तूफान और बाढ़ नहीं रुकी तो अनुमान लगाया जाता है कि काफी और लोगों की जानें जा सकती हैं। लोगों के बचाव के लिए आज से 20 साल पहले आया था, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे और गांव के गांव तबाह हो गए थे। मुझे जाना होगा। चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हो? रानीपुर। आपने सुना नहीं, वहां पर भयंकर बाढ़ आई हुई है, आंधी और तूफान। आपका इस वक्त वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं। इसीलिए तो जा रहा हूँ। ये गोलियां, ये पिस्तौल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 20 साल के बाद में ऐसी बारिश हो रही है और 20 साल के बाद मुझे मौका मिला है। मैं एक लड़की से किया हुआ वादा निभा सकूं। साल पहले ऐसी ही तेज बारिश आई थी, मगर ये मौसम तो उससे भी कहीं ज्यादा खराब है। मैं देखता हूं, भी तुमने एक आदमी से यही बात की, लेकिन उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। आप ये बात कैसे जानते हैं? आप तो वही आदमी हैं। उस रात भी मैं वहां गया था। आज मुझे वहीं जाना है। जानते हो कि मेरा मकसद क्या है? याद है तुम्हें वो रात जब मैं इसी दरवाजे से अंदर आया था? आप इस तूफान में फंस गया साहब? से निकला था तभी तो इस तरह का तूफान नहीं था, लेकिन आज रास्ते में ये बारिश हो तो भाग गया। अब तक तो भाग्य ने साथ दिया है कि गाड़ी ठीक चल रही है। मुझे यहाँ से मेलापुर जाना था, बता सकते कि कितनी दूरी पर है? अरे वो तो रानीपुर सिर्फ 20 किलोमीटर आगे है। ऐसे आंधी और तूफान में आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मैं एक दोस्त से मिलने के लिए बंबई से चला हूँ। इतनी दूरी पर आने के बाद में मैं फिर लौट तो नहीं सकता ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे बदन तो गर्म है। इसे थोड़ा सा बुखार चढ़ गया। थोड़ा सा? बहुत तेज बुखार है।
और ऐसी बारिश में भीगने से और तेज हो जाएगा। मानिए आप आगे नहीं जा सकते। मेरा दोस्त बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना ही होगा। चाहिए तुम्हें अर्जुन? मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे अंदर आने दीजिए। कौन हो तुम? कहां से आए हो? शहर से। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, मुझे अंदर आने दीजिए, अंदर ले लीजिए मुझे। कभी नहीं, ले जाओ यहां से। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, वरना मैं आपके दरवाजे भी मर जाऊंगा। अंदर ले लीजिए ना इसको, नहीं तो ये यही मर जाएगा। एक तो खोटी किस्मत लेके हमारे घर पे पड़ी है, ऊपर से जबान चलाती है। तुम भले मर जाओ मेरे दरवाजे पर मेरी बला से, पर तुम अंदर नहीं आ सकते।
थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कहीं आप मर ना गए हो। इसे पीने की कोशिश कीजिए, ये जड़ी बूटी से बनी दवा है, पीने से आपका बुखार भी कम होगा और आराम भी मिलेगा। मेरे घर के सामने वाले घर में यहाँ कोई नहीं रहता साहब जी, तूफान और बाढ़ के डर से सारे लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। जब मेरे चाचा चाची ने आपको घर में आने से मना किया तो मैंने सुखिया की मदद ली। सुखिया? मैं साहब, पूरे गांव में ये सिर्फ मुझ पे भरोसा करती है। अगर आपको अंदर लेके आया था आप तो मर चुके होते। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बुखार कितना है? इनको आराम की जरूरत है। हाँ साहब जी, क्या ठीक कह रहा है, आपको आराम करना चाहिए, तब मुझे भी चलना चाहिए। अगर ये चाचा चाची को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। वो लोग आपको क्यों मार रहे थे? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे थे आप? साहब, गांव वाले रेणुका को अशुभ मानते हैं। इसके होने वाले पति ने शादी के मंडप में ही दम तोड़ दिया था। वो बीमार था, मगर गांव वाले रेणुका को ही मनुष्य मानने लगे। हाँ साहब, उस दिन से इस गांव में जब भी कुछ हो रहा होता है गांव वाले कहते हैं ये सब रेणुका की वजह से हो रहा है। साहब, मुझे पता नहीं आप कहाँ से आए, लेकिन हमारे गांव में तो यही मानते हैं। इस गांव के लोग बड़े अजीब हैं साहब, उनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चल सकता। सरपंच ने कहा था कि गांव खाली करो, तो सब लोग चले गए, मगर रेणुका के चाचा चाची और कुछ 8-10 लोग अभी भी यहाँ रुके हुए हैं। साहब मुझे पता नहीं, लेकिन इन लोगों का यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा है साहब। साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को कुछ वो होने वाला है। आज हम लोग उस मनुष्य लड़की का फैसला करके ही रहेंगे। चलो चलो, चलो, चलो। और उसे हम पर जरा भी शक नहीं है। आज हमें तय करना ही होगा कि हमें उसका क्या करना चाहिए। चलो चलो, चलो। उसके कारण मेरी जमीन जायदाद सब चली गई, और वो इस मनहूस लड़की रेणुका के कारण जो मेरे घर में पड़ी हुई है, जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, वो बहुत ही मनहूस लड़की है। हाँ, ये तूफान, ये बाढ़ सब इसी कारण हो रहा है। हाँ। अरे इसे मार ही देते, इसके मरने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं हमें रेणुका को बचाना होगा, बचाना होगा। तुम वो जंगल से जहरीली जड़ी बूटियां लाए? हाँ, ये सब जहरीली। मैं इसे पीस देती हूँ, पिला देती हूँ, गले में डाल देती हूँ। जी, जब रात में 9 का घंटा बजेगा तब हम ये जहर उस रेणुका को पिला देंगे, और मैं मंदिर
आगे बढ़ूंगा। हमारे गांव पर उसका मजबूत साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं, चाहते मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं बस चल के उस मनहूस लड़की को ही पिला देते हैं। साहब, गांव को ठंडा बच चुका है, अब समय आ गया है। वो लोग रेणुका को आप छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, मैं रेणुका को नहीं छोड़ूंगा। कुछ ना बोली बात में आप, तुम मुझे बताओ कि रेणुका का कमरा कहाँ है? रेणुका का कमरा कहाँ है? यहाँ पर है। जाओ जल्दी, यहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। जल्दी क्या फायदा, मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे साथ में शहर में मेरे पास कार है, आ जल्दी। कार? वो क्या होता है? सुखिया, हम कुछ कर सकते क्या? मैं क्या कर सकता हूँ साहब? तो ठीक है, तुम लोग यही रुको, मैं मदद लेके आता हूँ। कहाँ से लाओगे मदद साहब जी? सारा इलाका तो खाली पड़ा है। ठीक जगह से, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। साहब जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ से चले जाओ साहब जी। नहीं, मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन तू उस जहर को मत पीना, उस जहर को मत पीना बस। ये तो कोई आदमी जो हमारे दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है, क्या करे तुम? चले गए वो लोग। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं आप? आज सुबह तूफान समझाने के बाद आप हमें बेहोशी की हालत में मिले। सुबह हो गई। यानी कि अब तक तो वो रेणुका को मार चुके होंगे, आप चलिए मेरे साथ, हमें रेणुका को बचाना होगा। कौन किसे मार रहा है? क्या कह रहे हैं आप? देखिए वक्त नहीं है, प्लीज आप मेरे साथ में चलिए, प्लीज चलिए। अरे घास धूल क्या है? कहाँ गए लोग? कहाँ गए? रेणुका, ये देखो मैं आ गया हूँ। रेणुका, मैं मदद लेके आया हूँ। कहाँ तुम? मेरे आने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता। मैंने कल रात यहाँ कुछ लोगों को देखा हुआ है, वो रेणुका को मारना चाहते थे और मैंने वादा किया था कि मैं उसके लिए मदद लेके आऊंगा। रेणुका, ये हो ही नहीं सकता, यहाँ कोई गाँव वाला नहीं रहता। मैं जानता हूँ कि इस तूफान की वजह से गाँव वाले इस गाँव को छोड़ के जा चुके, लेकिन कुछ लोग यहाँ थे। रेणुका, उसके चाचा चाची, वो लोग रेणुका को मारने की कोशिश में थे, उसे मार देना चाहते थे वो। कहीं आपने इनको तो नहीं देखा? ये रेणुका है, ये उसके चाचा और इसके चाची। कल रात मैंने इन्हीं को देखा मैंने। ये नामुमकिन है साहब। नामुमकिन? क्यों? क्योंकि इस लड़की को मरे हुए 100 साल हो गए और इसके चाचा चाची भी 100 साल पहले ही गुजर गए।
रात मैंने अपनी आंखों से इसे देखा है। इसी ने मेरी जान बचाई। मेरी आंखों के सामने वो इसे जहर देने की कोशिश कर रहे थे। इस कड़े को देखिए और इस तस्वीर में इस लड़की ने जो पहना हुआ है उस कड़े को देखिए। देखिए ये वही कड़ा है। जब मैं इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था तब ये कड़ा मेरे हाथ में फिसल के आ गया। देखिए इसे, देखिए। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया ना? आप आइए मेरे साथ, मैं भी आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां जाकर आपको मेरी भी बात का यकीन करना पड़ेगा। आइए आइए मेरे साथ, यहां से आइए आइए। मैं दिखाता, कहां लेके आए मुझे आप? आइए, तो यहां क्यों लेके आए? ये साबित करने के लिए कि जो कुछ भी कल रात को हुआ वो हो ही नहीं सकता। आप अपनी आंखों से देखिए, ये रही वीरान की कब्र और ये मृदुला की, और ये रही रेणुका की। आइए ये देखिए। ये सच है तो कल रात जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था। मैं पूछता हूं कि अगर वो एक सपना था तो फिर ये क्या है? ये क्या है? क्या है? बोलो। यही तो हैरानी की बात है साहब। अगर आप इस गांव के रहने वाले होते तो मैं ये मान लेता कि जो कुछ भी कल रात को हुआ वो एक सपना था, आपका वहम था। लेकिन आप तो इस गांव की कहानी भी नहीं जानते। कहानी? रेणुका इसी गांव में रहने वाली एक बदनसीब लड़की। एक तूफानी रात में उसके चाचा चाची ने उसे बेरहमी से मार डाला। ठीक उसी तरह जिस तरह से आप बता रहे हैं। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने सारे गुनहगारों को मौत की सजा सुना दी। उस हादसे के बाद ये गांव इतना बदनाम हो गया कि सारे गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। तब से आज तक ये गांव सुनसान पड़ा है। ये 100 साल पुराना वाक्य है, मेरे जन्म से पहले का। कल रात को आपने जो कुछ भी देखा वो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे अब भी रेणुका की चीखें सुनाई देती है। वो सब लोग जो उसे मारना चाहते थे दिखाई दे रहे हैं। आप कहना चाहते कि वो सब आत्माएं थी? पता नहीं, मगर सुनने में आया है कि उस रात से इस गांव में आत्मा ही आत्माएं रहती है, मगर किसी ने देखा नहीं। ये जो कुछ भी कल रात हुआ सब क्या था? रेणुका की बहुत एक तूफानी रात में हुई थी। कल रात भी वैसी ही तूफानी रात थी। हो सकता है तूफान और बारिश की वजह से ये सब कुछ फिर से हो गया हो। मेरे कपड़ों को देखकर उन्हें आश्चर्य हो रहा था। शायद उस जमाने में चेक नाका भी तो नहीं था। जो होना था हो चुका। आप सब कुछ भूल जाइए और वापस लौट जाइए। नहीं भूल सकता मैं, नहीं भूल सकता। अगर क्यों? क्योंकि मैंने रेणुका से वादा किया था कि मैं उसकी मदद करने आऊंगा। जब तक मैं अपना वादा पूरा नहीं कर लेता मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक मरे हुए व्यक्ति को कैसे बचा सकते हैं? रेणुका 100 साल पहले मर चुकी है। वो केवल राख के सिवा कुछ नहीं। आप मेरी बात मानिए और वापस लौट जाइए। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि यह सब फिर से हो। जब तक रेणुका वापस नहीं आती, जब तक मैं उसे बचा नहीं लेता मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। साहब, आप कई हफ्तों से यहां बैठे हुए हैं। मेरी बात मानिए
जो कुछ भी उस रात को हुआ 100 साल पुराना हादसा था, फिर से नहीं होगा। आपकी हालत ठीक नहीं है, आप आइए मेरे साथ। मैंने रेणुका से वादा किया था मैं उसे बचाने वापस आऊंगा, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। वो नहीं आएगी, क्यों एक साय के पीछे भागकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं? आपकी हालत बहुत खराब है, आइए मैं आपको शहर तक छोड़ देता हूं। रात वहां से वापस तो ले आए थे, मगर मैं कई बार उसी गांव में वापस गया रेणुका के इंतजार में, और उसी हादसे का इंतजार करता रहा, मगर वो हादसा फिर कभी नहीं हुआ। आज तक इंतजार कर रहा। मैंने 20 साल पहले भी आपसे यही बात की, और आज फिर दोहरा रहा हूं, वापस लौट जाइए, कुछ नहीं होगा। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ में आया हूं, जाने मुझे एक विश्वास है कि अब हादसा आज फिर होगा। वही तूफान, वही बारिश, मगर अब मैं वहां मौजूद हूंगा रेणुका को बचाने के लिए। उस रात तो मैं कुछ नहीं कर सका, मगर इस बार न तो मुझे बुखार है और ना ही मैं कमजोर हूं। मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा, पर अगर हुआ भी तो आप क्या कर लेंगे? जो कुछ हो चुका है उसे आप बदल तो नहीं सकते। इंसान अपनी किस्मत और अजीत को नहीं बदल सकता, मगर कोशिश तो की जा सकती है। आज रात गांव का घंटा बजने से पहले मैं वहां पर होऊंगा और मैं रेणुका को बचाऊंगा। मैं लड़ूंगा चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे इस भारत से आप बाहर मगर कोशिश तो की जा सकती है। आज रात गांव का घंटा बजने से पहले मैं वहां पर होऊंगा और मैं रेणुका को बचाऊंगा। मैं लड़ूंगा चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे साथ मुझे छोड़िए। अरे नहीं मुझे साथ, अरे मेरी बात को सुनिए। अरे इस हालत से आप मनोज लड़की का फैसला करके ही रहेंगे। चलो सोचा था, वो हादसा आज फिर से होगा। आज तो मैं रेणुका को बचा के रहूंगा। रेणुका अंदर है और उसे हम पर जरा भी शक नहीं है। आज हमें तय करना ही होगा कि हमें उसका क्या करना चाहिए। चलो जाओ।
छोड़ दो उसे, छोड़ दो। अर्जुन मुझे बचा लो, ये लोग मुझे ज़हर बना रहे हैं। अर्जुन लड़का मैं आ गया, उसे बस कुछ नहीं होगा। लड़का मैं आ गया, आज मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। लड़का तुम्हें बचा नहीं सका तो मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं भी मर जाऊंगा। तूफानी रात में यहां आए थे और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी रानीपुर की तरफ चले गए। वो मेरे चाचा जी हैं, एक हफ्ता पहले रानीपुर के लिए निकले थे और अभी तक नहीं लौटे। मुझे तो डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? प्लीज प्लीज। हाँ आओ, आओ मेरे साथ चलो। आओ
कोई भी नहीं है। देखो बेटा मेरी बात सुनो। अरे सुनो मेरी बात तो सुनो। भी नहीं है बेटा, शायद मैं जानता हूं तुम्हारे अंकल कहां है। आओ आओ। इधर से आओ आओ आओ। ये आप मुझे कहां ले आए हो? यहां पर तो कोई भी नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना तुम्हारे अंकल कहां हैं? शायद तुम्हारे अंकल यहां हैं। चाचा के इसका मतलब मेरे चाचा, मेरे चाचा, मेरे चाचा कौन था? ये हमें भी कौन था? चाहिए चलो कुछ नहीं कहते। वही कड़ा है जो उनके बैग में था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।